सबसे पहले तो मैं धरती और यहां के लोकप्रिय नेता श्री राजा राम जी पाटिल साहब को सत सत नमन करता हूं। और उपस्थित हमारी खेल प्रेमी जनता, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी खिलाड़ियों का अभिवादन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मध्य में विराजमान महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री अजीत दादा पवार साहब का कृतज्ञ ध्वनियों से इनका शानदार स्वागत होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री अजीत दादा पवार साहब, साथ ही साथ आप महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, जलदाय मंत्री, पालक मंत्री, परम सम्माननीय श्री जयंत पाटिल साहब मंचासीन, महाराष्ट्र शासन के उपग्रह मंत्री श्री सतेज पाटिल साहब, उपस्थित भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के महासचिव श्री अनिल चौधरी जी और श्री पीआर पाटिल जी चेयरमैन शुगर फैक्ट्री, श्री नेताजी पाटिल साहब और इस आयोजन को, इस भव्य आयोजन को यहां तक लाने में जिनका प्रमुख भूमिका है, भाई प्रतीक पाटिल अध्यक्ष महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन, प्रोफेसर बालासाहेब सूर्यवंशी जॉइंट सेक्रेटरी बीएफआई, श्री विरल शाह जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन और हम इस आयोजन में जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप पाटिल जी तथा बीएफआई के चेयरमैन कंट्रोल कमेटी श्री नालगंट बसीर जी और बीएफआई के समस्त उपस्थित पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए मेरे सभी खिलाड़ी भाई बंधु, उपस्थित खेल प्रेमी जनता को ये बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अगर अंडर 21 यूथ नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन करने का इतना शानदार अगर किसी में मादा है, जो कर सकता है, जिसने किया है, वो प्रतीक पाटिल है। महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन है जिसने इतना शानदार स्वागत किया है। मैं अजीत दादा को भी कहूंगा कि इस आयोजन को आप देखें और देख के अनुमान लगाए कि महाराष्ट्र के एसोसिएशन के आपके जो पदाधिकारी है कितना मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और इस खेल को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। इस मौके पर मैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे अध्यक्ष परम सम्मानीय प्रोफेसर अच्युता सामंता साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंधमाल की तरफ से आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना सफल आयोजन आपने यहां करने का जो शानदार बीड़ा उठाया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी मैं हमारी एबीसी की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि इतना सफल और सुंदर आयोजन आप लोगों ने यहां करने का बहुत सुंदर कार्य किया। इस मौके पर मैं उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा को एक निवेदन और करूंगा कि इस एरिया में वॉलीबॉल बहुत पहले से प्रचलित है और निश्चित रूप से अगर इस एरिया में हमें वॉलीबॉल की एक दो एकेडमी महाराष्ट्र शासन की तरफ से खोली जाए तो शायद मेरे ख्याल में आने वाला भविष्य बहुत सुदृढ़ और सुंदर यहां का होगा। साथियों, उपस्थित सभी मेरे खिलाड़ी भाई बंधुओं से एक बात कहूंगा कि इस दौरान चलने वाली इस नेशनल चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर यह सिद्ध करें कि आप भारत की टीम में खेलने के लिए आप डिजर्व करते हैं, भारत की टीम में आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। एक बार पुनः, क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है और दादा को जरूर निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री है, बहुत कार्यक्रम है उनके, तो उपस्थित जनता को मैं इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन दादा अजीत
पवार साहब जो चल के आपके बीच यहाँ आए इस भव्य आयोजन के लिए, करतल ध्वनि से उनका शानदार स्वागत करें कि वो लगातार भविष्य में यहाँ आते रहे और इस तरह का आयोजन यहाँ होता रहे। एक बार पुनः वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अजीत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के इस सफल आयोजन को और सफल बनाया। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से और महासचिव की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बार पुनः ज्यादा समय नहीं लेते हुए और आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सफल आयोजन के लिए धन्यवाद। उपस्थित लोगों को यह भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर इस वॉलीबॉल के खेल में यहाँ डालें। आप ये मान के चले कि वॉलीबॉल में निश्चित रूप से आपका बच्चा खेल रहा है तो नौकरी प्राप्त करेगा, ये तय मान के चले आप। आपके बीच में हमारे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी यहाँ विराजमान है जो भारतीय रेल के लिए भी खेले हैं। इस तरह के कि आज हमारे जो लोग बच्चे हैं वो कोई रेलवे में, कोई सर्विसेज में, कोई भारतीय सेना में, कोई महाराष्ट्र पुलिस में, उनको विभिन्न विभागों में नौकरियां मिल रही है, तो शायद उनको और आगे बढ़ाने का काम हमारे यहाँ के लोगों को करना चाहिए। एक बार पुनः सफल आयोजन के लिए प्रतीक पाटिल जी को और उनकी पूरी महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन, विरज शाह जी और प्रोफेसर बाला साहब सूर्यवंशी जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।